नहीं बिल्कुल, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इतनी जल्दी ऐसा हो जाएगा इसकी कल्पना तक हम लोगों ने नहीं की थी। कुछ समय पहले अयोध्या में जब हम थे, जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई, उस कार्यक्रम में वो हमारे साथ मौजूद थे। एयरपोर्ट पर लंबी घंटों तक हम लोग की बातचीत हुई, एक साथ हम लोग आए, बहुत पुरानी बातें, पापा के साथ की बातें, बहुत परिवार के साथ थे, बहुत सारी ऐसी बातें हम लोग के बीच हुई। और उस वक्त तक किसी को जानकारी भी नहीं थी कि वो किसी ऐसी बीमारी से वो ग्रस्त है। कुछ समय पूर्व जब ये जानकारी आई, पहले तो उसी पर ही हम लोग को विश्वास नहीं हुआ, और आज वो हम लोग के बीच नहीं है इस बात की कल्पना तक करना इतना कठिन है। एक ऐसे व्यक्ति जो जिन्होंने इतना सादगी भरा जीवन उन्होंने हमेशा व्यतीत किया, रहन सहन खान पान पर हमेशा ध्यान देने वाले वो व्यक्ति, क्योंकि मुझे याद है मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ एक सहयोगी, एक साथी की भूमिका में वो रहे। दोनों की एक जोड़ी अक्सर चुनाव प्रचार में एक साथ घूमती हुई हम लोगों को देखने को मिलती थी। तो ऐसे में आज मेरे लिए ये दोहरी क्षति है, जहाँ एक तरफ मैंने अपने पिता को कुछ समय पहले खोया और उसके बाद जो अभिभावक की भूमिका में थे, आज उनका नहीं रहना यकीनन एक बहुत बड़ी क्षति। और मैं मानता हूँ युवा पीढ़ी, हम जैसे लोगों के लिए ख़ास तौर पर, हम लोगों के आदर्श के समान वो रहे, एक प्रेरणा स्रोत रहे। आज की तारीख में जितना अध्ययन कर कर वो अपने विषय को रखते थे, मुझे नहीं लगता कि कोई और नेता ऐसा है जो इतनी गंभीरता से अपनी जिम्मेदारियों को लेता हो। ना सिर्फ सत्ता पक्ष में जब वो रहे, इवन जब विपक्ष में भी वो रहते थे, जिस गंभीरता से वो तमाम विषयों की जानकारी, उस पर अध्ययन कर कर, रिसर्च कर कर, आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता तक अपनी बातों को पहुँचाने का वो काम करते थे। सत्ता में जब जब रहे, सरकार की उपलब्धियों को, सरकार के कार्यों को, उसको गंभीरता से रखना। जब विपक्ष में रहे तो विपक्ष की उपलब्धियों, विपक्ष की खामियों को, उनकी कमियों को, और पूरे डेटा के साथ, पूरे तथ्यों के साथ वो रखते थे। तो एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने इतना अध्ययन किया, ये हम जैसे युवा पीढ़ी के लिए वो हमेशा आदर्श रहेंगे, प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। आज जब वो हम लोग के बीच नहीं है, मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, क्योंकि उनके साथ वो पारिवारिक संबंध हमेशा से रहे हैं, अपनी तरफ से, अपनी परिवार की तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। परिवार शब्द बहुत कम है, क्योंकि ऐसी दुख की घड़ी से परिवार जल्दी उभर नहीं पाता। मैंने खुद पिता को खोया, मैं समझ सकता हूँ, बट इस घड़ी में परिवार के साथ हम लोग मजबूती से खड़े हैं। तेजस्वी यादव का एक बयान आया है कि जो 14 वाले थे वो 24 में नहीं आएंगे, जो नीतीश कुमार ने बीड़ा उठाया था, लेकिन नीतीश कुमार अब पीछे हट गए हैं, बीड़ा अब तेजस्वी यादव ने उठाया, जो 14 वाले हैं उनको 24 में किसी भी कीमत। कौन सत्ता में आता है नहीं आता है ये बीड़ा कोई व्यक्ति नहीं उठाता, ये जनता उठाती है, और बिहार की जनता ने ये तय कर लिया है तो कोई और कौन होता है रोकने वाला। इस तरीके का बेड़ा ये कई बार उठा चुके हैं, 14 में ये भी तो उठाए थे ना, क्या हर्ष हुआ। 19 में इन्होंने पुनः इसी बेड़ा को उठाया था कि भाई इस बार तो खाता तक नहीं खुलेगा, किसका खाता नहीं खुला, 19 के परिणामों ने दर्शाया ही। तो ऐसे में कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता है जब चुनाव के परिणाम निर्धारित किए जाते हैं, उसके लिए पूरा राज्य, और ये लोकसभा के चुनाव हैं, पूरा देश इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। और मुझे लगता है देश ने ये मन बना लिया है कि इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना है। आज प्रधानमंत्री जी का नामांकन है, नामांकन से पहले ही जिस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा, आज हम लोग भी तमाम NDA के साथी घटक दल उनके नामांकन में मौजूद होंगे, हम भी उसी कार्यक्रम में शरीक होने हम लोग जा रहे हैं। तो ऐसे में उनके नामांकन से और नामांकन से पहले अलग अलग जगहों पे, कल मेरे प्रधानमंत्री हाजीपुर आए थे, हाजीपुर में जिस तरीके का जन सहलाब था, मेरे छोटे भाई और पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने हाजीपुर में भी ये बात जाकर कही थी ना कि यहाँ से अगर हम लोगों ने हरा दिया तो हमको मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। कल आप देखिएगा हाजीपुर में जिस तरीके का एक जन सैलाब देखने को मिला, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद
मुझे मिला, उनके तमाम वो शब्द जिन्होंने मेरे मनोबल को बढ़ाने का काम किया। कल जिस तरीके से उन्होंने मेरी छोटी छोटी बातों तक का जिक्र किया कि कैसे 2014 से वो इस बात को देखते थे कि मैं पार्लियामेंट में को कितनी गंभीरता से मैं लेता हूँ, उनकी ये तमाम बातें और उनकी ये बातें हर एक प्रत्याशी के मनोबल को बढ़ाती हैं, लोगों में उत्साह उत्पन्न करती है और इस उत्साह ने ये बेड़ा उठाया हुआ है कि प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और बहुत जल्द, अब तो दिन भी समीप ही है, 4 जून को परिणामों में देखने को भी मिलेगा। सीएम कल तेजस्वी यादव ने कहा है सर, प्रधानमंत्री जो भावुक हुए थे रामविलास पासवान को लेकर के, तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये सब ड्रामा अब करके कोई फायदा नहीं होगा, रामविलास पासवान की पार्टी जो आज वजूद में नहीं है उसको पीछे नरेंद्र मोदी ने वजूद उसका खत्म किया। भाई ये लोग ना राजनीतिक लड़ाई या राजनीतिक द्वेष में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं कि कभी व्यक्तिगत संबंधनों को ये लोग समझ ही नहीं पाएंगे। इन लोगों में वो भावना ही नहीं है। अगर व्यक्तिगत संबंध को अगर ये समझते तो इनके सामने जो इनकी माँ समान है उनको जब गाली दी जा रही थी मेरे परिवार को, तो ये आपत्ति दर्ज कराते। अगर ये व्यक्तिगत रिश्तों को समझते जो इनके परिवार के लोगों ने ज़रूर निभाए हैं, मैं श्रेय ज़रूर दूंगा कि आदरणीय लालू जी ने दलगत राजनीति से उठकर, और मेरे नेता ने भी आज अगर उनके प्रशंसक हर दल में हैं, क्योंकि दलगत राजनीति से उठकर व्यक्तिगत संबंधनों को निभाया गया है जो कि संभवतः इनकी पीढ़ी में देखने को अभाव मिलता है, इसीलिए समझ नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री जी का